हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। तो आप सबको सबसे पहले ना छठ पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ, और आप सब ना जो जहाँ हो, जहाँ से भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, वहीं पे आप लोग खुश रहो और संपन्न रहो, यही कहूँगी। और मेरा ये छठ पूजा का ये वाला लुक नहीं है, मैं वीडियो डालूँगी तब आपको लुक दिखेगा। अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने के लिए दुपट्टा ओढ़ ली हूँ, और मेरा लुक, पूरा लुक ना जो साड़ी वगैरह पहनी थी वो मैं फ़ोटो और वीडियो डालूँगी तब आप लोगों को मेरा लुक दिखेगा। लेकिन उसके पहले गाइस, मैं अप्सरा आंटी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, सचिन राज परिवार के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जो लोग उनकी फैमिली को सिर्फ निगेटिव दिखाते हैं, उनके बारे में भी और कुछ बातें ना। देखिए गाइस, देखिए हमेशा ना बेटे और बहू ही गलत नहीं हो सकते, और हमेशा माँ बाप ही सास ससुर ही गलत नहीं हो सकते। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है गाइस, इनकी बहुओं के बारे में। देखिए मनीषा का तो देखो, अभी मैं बोलूँगी कि मनीषा काम नहीं करती है तो सब बोलेंगे कि मनीषा के बारे में बोल रही हूँ। अगर बोलूँगी कि देखिए अभी तो उसका एग्जाम था, तो उसका पूरा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि वो ना यहाँ पर नहीं थी, मतलब ससुराल में नहीं आई छठ पूजा में, तो आंटी ही काम कर रही थी। जब उनकी दोनों बहुएं थी तब भी आंटी, नवरात्रि में आप लोगों ने देखा होगा आंटी ने कितना काम किया था, और इनका हर एक पूजा में ना आंटी के मुंह से निकल रहा है कि पूजा करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा हो जा रहा है तो वैसा हो जा रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ ना उनको सुनने में अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आंटी ना बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं काम की वजह से। और दिवाली में भी आपने देखा आंटी पूरा ही काम अकेले की, उनकी दो दो बहुओं को रहते हुए भी आंटी को पूरा काम, पूरा मैनेजमेंट पूरा अकेले संभालना था। और ये जो छठ पूजा होता है ना गाइस, इसमें मैं जहाँ तक जानती हूँ, जब भी आपके घर में ना कोई फेस्टिवल हो, कोई फंक्शन हो, तो हम ना दूसरे के घर के लोग अभी ना प्रसाद बनवा देते हैं और हेल्प करवा देते हैं, पर इनकी बहुएं दोनों की दोनों को नहीं बोल सकते, क्योंकि मनीषा का एग्जाम है तो गई हुई है, पर रंजना के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे जहां तक लगता नहीं इनका घर बहुत दूर है। और क्यों वो प्रसाद बनाने नहीं आई, मैंने देखा आंटी अकेले ही लौकी भात की तैयारी कर रही थी और लौकी भात बना रही थी। तो आंटी को पहले ही इन लोगों ने पूरा फैमिली को एकजुट होकर इकट्ठा होकर सोच लेना चाहिए, यहाँ पर फंक्शन मनाना है, सब मिलकर फंक्शन मनाएंगे तो कितना अच्छा रहता है। मेरा चूड़ी देख लीजिएगा इस, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। देख लीजिए आज ऐसा ही साड़ी पहनी थी, आप लोग के लिए सरप्राइज है। वो वाला ब्लॉग जाएगा, छठ पूजा का ब्लॉग जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। कल का भी सुबह घाट का और शाम घाट का एक साथ जाएगा ब्लॉग। तभी मैं सोची हमारे घर कोशी भर आया है, इसलिए नाक से सिंदूर लगाए, और नाक से सिंदूर तो हमारे बिहारियों की ये पहचान होती है, मुझे लगता है बिहार में ही लगाते हैं, और शायद यूपी साइड में भी लगाया जाता है नाक से सिंदूर। और इस ना ऑरेंज सिंदूर की ना ऑरेंज सिंदूर की ना बहुत ज़्यादा परंपरागत होती है। और सबसे पहले ना मैं गाइस, मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो उगते हुए सूर्य की हम लोग पूजा करते हैं ना, हम बिहारी ही हैं, और हमारे मतलब जो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। गाइस भगवान में ना बहुत शक्ति होती है, आप 72 आवर्स का फास्ट रख लेते हो मामूली बात नहीं है, 36 घंटा तो मतलब 48 आवर्स बिना जल पानी के कैसे कोई रह सकता है, आप बताइए। तो ये भगवान की छठी मैया के ही महिमा है और किसी की नहीं है। और चीज़ में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हम लोग देखिए दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि मतलब, और भी शिव मतलब बहुत सारे रुद्र अभिषेक करते हैं बहुत सारे, लेकिन आज तक हम लोगों ने किसी भगवान को ना अपने आँखों से फील नहीं किया है, अपने आँखों से देखा नहीं है। ये हमारा मन का आस्था है कि शिव जी ऐसे हैं, क्योंकि हमारे वेद पुराण में जिक्र किया गया है, तो हम जानते हैं माता जी ऐसी हैं तो हम जानते हैं। लेकिन सूर्य देवता एक ऐसे देवता है ना जिनको हम लोग अपने आँखों से देखते हैं, उनको डूबते हुए देखते हैं, खड़े रहते हैं हम जब गंगा में ना, तो उनको डूबते हुए जब आप नहीं, इस चीज़ को फील नहीं कर सकते जो ये व्रत करते हैं ना, सिर्फ यही उस चीज़ का ना फीलिंग बता सकते हैं कि कितना अच्छा ये फीलिंग होता है। सिर्फ व्रत करने वाले लोगों को पास ही इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ना गाइस, तो और जब डूबते हुए उनको आप देखते हो, फिर उनको उगते हुए देखते हो, उनसे पहले आप गंगा में जाकर ना खड़े होते हो, गंगा में दीप जलाते हो, अपनी प्रकृति की पूजा करते हो ना, तो ये आपके लिए प्यार ही प्यार है। और इससे बड़ा ना और कुछ भी एग्जाम्पल नहीं है। हम सनातनी, हम हिंदू धर्म के लोग जितने भी हैं, भगवान के नाम पे जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, हमारा सिर्फ प्यार बिखेरते हैं, प्यार बिखेरते हैं। तो पता नहीं रंजना क्यों, क्योंकि मैं भी किसी का भी ब्लॉग नहीं देख रही हूँ, और किसी के लिए मुझे निगेटिव नहीं बोलना है कुछ भी, ऐसे भी मैं नहीं बोलती हूँ। और अभी तो फास्ट का टाइम चल रहा है, सबके घर में छठ पूजा हो रहा है, तो अभी तो कुछ बोलना ही नहीं है इस मैटर में। लेकिन बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रंजना ना खाना बनाने के लिए क्यों नहीं आई, आंटी अकेले लौकी भात क्यों बना रही थी। और साथ ही साथ ना आंटी को मैंने देखा पूरा काम दिवाली से मैं देख रही हूँ, मेरे को ना बड़ा माया लगता है इनका काम देखकर, इतना क्यों इनके घर में
इतनी नतहस नहस, इतनी उथल पुथल क्यों रहती है आंटी, सारा काम अकेले क्यों करती हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाद में जब मैं इनका ब्लॉग देखूंगी ना, तो पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। और आपको पता ही है जगत जिया जी ना अब लाइव आने लगे हैं, और कल का मैंने अभी तक देखा सचिन के ना वीडियो में जो सचिन ने ना अपनी जगत दीदी को जो कमेंट का रिप्लाई किया था ना, तो अभी तक उनकी दीदी ने ना उनको रिप्लाई नहीं किया था, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और सचिन ही एक ऐसे है ना जिन्होंने ना सरिता जी के पापा जी का डेथ हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने ना फूल के बोला, बात किया, और वहाँ जाने से डर लग रहा है कि क्या, उन्होंने सब बात क्लियर किया है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। जब देखिए गाइस, यूट्यूब का मतलब होता है ना, यूट्यूब भी एक फैमिली होती है, जब किसी भी फैमिली को ना कुछ हो तो सबको हाथ पढ़ा कर ना आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो अभी प्लीज़ 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 आप लोग पॉजिटिविटी, कल तक पॉजिटिविटी फैलाइए, निगेटिविटी फैला के, आपने देखा ही था सचिन राज के घर में क्या हुआ था, सचिन का पूरा फैमिली नवरात्रि ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर सका था, सचिन का तबीयत खराब हो गया था, पता नहीं जो कुछ भी हुआ था, वो तो आप लोग भी गैस कर पाएंगे। तो इसलिए ना छठ पूजा को एटलीस्ट आप लोग सही से रहने दीजिए, सब सही से ही होने दीजिए, अच्छे से प्यार बांटिए, सिर्फ प्यार और प्यार बांटिए। और मुझे भी बहुत सारा ना, आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, और मैं आप लोग को दे रही हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं जिनकी गोद खाली है ना, उनको भगवान जी ना उनकी गोद को भर दें, जिनको नौकरी नहीं है भगवान उनको नौकरी दे दे, जिनको पैसे की जरूरत है भगवान उनको पैसे दे दे। आप ना मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मांगना कि मेरे पूजा राव के जो हस्बैंड है ना वो ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए गाइस, ये वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊंगी, बस मुझे आप लोग से अपडेट देना था कि मेरे घर में पूजा हो रहा है और बहुत शांति बहुत प्यार। इस पूजा की ना जितनी भी मैं आप लोग से तारीफ़ करूँ, जितनी कल्पना करूँ, सब कम है गाइस। ये पूजा का एक अलग ही वाइब से अलग ही तरह का अलग लेवल का ये पूजा है। तो आप लोग का ये मेरा बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, पूरा ही चेंज हो गया है क्योंकि मैं मम्मी घर आई हूँ, तो बहुत जल्दी आपको उस बैकग्राउंड में भी 2-3 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। शायद मैं संडे को मम्मी घर जाऊँगी, उसके बाद फिर से उसी बैकग्राउंड उसी घर का पूजा मिलेगा। बहुत मुश्किल से मैं अपने घर से ना कदम बाहर निकालती हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है मेरे हस्बैंड का वहाँ पे अकेले मुझे छोड़ के आना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ परिस्थिति और कुछ मतलब पूजा पाठ ऐसे हो जाते हैं ना कि मुझे आना पड़ता है, तो फिर जाऊंगी अभी हस्बैंड के पास जाऊंगी। मैं आना जाना करती हूँ क्योंकि मेरा घर से 1 घंटा का ही रास्ता है, तो आप लोग उतना टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ नहीं मैनेज करती हूँ आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं अपने लाइफ को ब्लॉग डालूंगी उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी आप सबको ना जय छठी मैया, तो जिनको भी छठी माँ से लगाव है ना, तो एक बार मेरे कमेंट में सिर्फ जय छठी मैया, आज कुछ भी कमेंट नहीं करना होगा, रंजना के बारे में, सचिन के बारे में, जगत दीदी के बारे में, जगत जिया जी के बारे में, सिर्फ ना सब लोग एक कमेंट कीजिए, जय हो छठी मैया, आप सबकी ना छठी मैया भलाई करे, प्यार दुलार आप सबके लिए, जो लोग भी मुझे छोटे बड़े जो भी, मैं तो बहुत बड़ी नहीं हूँ लेकिन जैसी भी हूँ आप लोग के लिए मेरे तरफ से प्यार ही प्यार है। तो बस आप लोग यही ब्लेसिंग मांगिए और प्यार बिखेरिए। और जो लोग भी ना छठ पूजा में शामिल नहीं हो सकते ना, वो शिव सूर्य देवता को अपने घर से ना गोड़ लाग लीजिए और आपको वही प्यार वही पुण्य वही प्रताप मिलेगा जो व्रत करने वाले लोग को मिल रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।